की जाए इसकी कैपेसिटी की तो ये 250 TPH का है, ये मतलब 250 टन पर आर इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्रशर की 250 टन की जो कैपेसिटी है वो 250 टन की कैपेसिटी इसकी GSB प्रोडक्शन की है। वो जब आप इसमें स्क्रीनिंग करोगे, आप एग्रीगेट निकालोगे तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो कॉन है इसको आप सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको कितना बारीक मटेरियल पीसना है आप इसके सेटिंग के हिसाब से, इसकी सेटिंग आप इस पैनल से कर सकते हैं, और आपको जितना बारीक मटेरियल चाहिए आप बारीक भी ले सकते हैं, मोटा मटेरियल चाहिए आप मोटा भी ले सकते हैं, कितना मोटा जो भी मिट्टी अगर बोल्डर के साथ चली जाती है तो सारी स्क्रीन करके सारे बाहर कर देता है, और जो इसकी इसका जो जॉ होता है उसके अंदर केवल क्रशर में केवल जाता है बोल्डर। ये इसकी खासियत है इसमें। और इसकी कीमत की भी बात करें दोस्तों तो ये जो कीमत है लगभग 7.5 करोड़ रुपये का ये एक सेट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें मोबाइल क्रशर है, मोबाइल क्रशर क्लीमैन कंपनी का, उसका डिटेल में वीडियो बनाइए। तो अभी मैं अपने प्लांट पे हूँ और क्रशर अभी बंद है तो यहाँ पे धूल बुल नहीं उठ रही, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज की वीडियो रहने वाली इसी मोबाइल क्रशर के बारे में, ये 3 पार्ट में होता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट जो लगा हुआ है वो रहता है जॉ, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर डाले जाते हैं। उसके बाद है ये सामने आप देख रहे हैं ये कॉन है, इसके अंदर वो जो जॉ 100 mm का पत्थर करके कॉन में जाएगा और कॉन उसको क्रश करके एग्रीगेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये है आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन जो आपकी एग्रीगेट है अलग अलग साइज में इसको स्क्रीन कर देगी, और 20 mm, 10 mm और 6 mm और 40 mm, ये 4 तरह का मटेरियल स्क्रीन करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, ये दिखता कैसे। पीछे आप देख रहे हैं ये इसका हॉपर है, और ये साइड में ये बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट है इसका, जो मिट्टी बिट्टी आ जाती है कुछ अगर बोल्डर के साथ तो उसको अलग से बाहर कर देगा। और सामने के साथ इसका ये जो इसकी पुली रहती है बड़े साइज़ की वो हैं, और नीचे आप इसकी चेन देख रहे हैं मूवेबल होती हैं, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं इसका इंजन है, और आगे की साइड है ये है इसका बेल्ट, जो मटेरियल जो इसका पीसेगा क्रश करेगा उसको ये आपके कॉन के अंदर डाल देगा। और साइड से बात करते हैं, और ये इसका बेल्ट है, काफ़ी चौड़ा बेल्ट है आप देख सकते हैं। और इधर की साइड होता है इसका पैनल है ये, और पैनल के साइड बाकी आप ऊपर से आप देख लीजिए, ये हो गया आपका कॉन का, ये कॉन आप मैंने दिखा दिया आपको, अब मैं दिखाता हूँ आपको जॉ वो कैसा दिखता है। दोस्तों ये है जॉ का आप सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं इसका हॉपर है, और साइड से और दिखा देता हूँ आपको। इधर आपका ये इमरजेंसी स्विच भी दिया हुआ है, ये इसका चैन है मूवेबल, और ये इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल के लिए जो टैंक रहता है उसको कूलिंग करने के लिए रहता है, फैन देख रहे हैं। और ये है इसका कॉन, और सामने की तरफ है इसका इंजन, इसको मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। और ये भी आप साइड से देख रहे हैं, इधर इसका पैनल है सामने की तरफ, इधर इसका पैनल, और उसके ऊपर पैनल के ऊपर है इसका इंजन। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये इसकी स्क्रीन है, और स्क्रीन को मैं दिखा देता हूँ सामने से, ये इसका हॉपर है, स्क्रीन इसमें एक जाली लगी होती है, सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे गिर जाता है, बाकी आप लेबर से साफ सफाई भी कर सकते हैं। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर जो बेल्ट गया है जो कौन से जो मटेरियल आता है सीधा जाता है स्क्रीन में स्क्रीन होते हुए ये जो मटेरियल आ जाता है, वो अलग अलग बेल्ट लगे हुए वो देख लीजिए आप। मैं साइड से आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। ये इसकी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे दी हुई है, ये इसका डस्ट का बेल्ट है, काफ़ी चौड़ा होता है, जितना साइज इसका स्क्रीन का है उसी साइज का रहता है। और ये सामने आप देख रहे हैं बेल्ट, ये 10 mm और 40 mm के हैं, और ये आप ओवरव्यू ले लीजिए। और इसका इंजन है वो इसकी स्क्रीन और इसका होपर के बीच में है। दोस्तों अभी मैं हूँ एक साइड में, ये जो आप मेरे स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये मोबीकैट MC110Z Pro है, ये है मोबाइल है, इसको जॉ बोलते हैं। और दोस्तों इसकी एक खासियत बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो हॉपर देख रहे हैं आप यहाँ पे बना हुआ है, इसी के अंदर हम लोग है ना एक्सकेवेटर से बोल्डर डालते हैं, और इसके अंदर एक स्क्रीन एक जाली लगी हुई होती है, जो भी जैसे आपका इसमें छोटी मोटी मिट्टी बोल्डर के साथ जैसे एक्सकेवेटर के बकेट में चली जाती है तो उसको एकदम क्लीन कर देता है। ये जो बेल्ट देख रहा है कन्वेयर वाला बेल्ट, ये डस्ट का बेल्ट लगा हुआ अलग, एक आप ये डस्ट भी पड़ी होगी पाउडर टाइप का आप देख रहे होंगे, जो भी मिट्टी अगर बोल्डर के साथ चली जाती है तो सारी स्क्रीन करके सारे बाहर कर देता है। और जो इसका जो जॉ होता है उसके अंदर केवल क्रशर में केवल जाता है बोल्डर। ये इसकी खासियत है इसमें, और मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ,
और ये जो आप सामने जाली देख रहे हैं बड़ी, ये है इसका इंजन है। और यहाँ पे ये जो आप, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये जो बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट इसका रहता है जो आपका जो डस्ट का बेल्ट रहता है, डस्ट का कन्वेयर, जो आपकी मिट्टी विट्टी जो भी आती है उसको साइड में निकाल देता बाहर। और क्रशर के लिए केवल ये वही बोल्डर लेगा जो बोल्डर है, जो बाकी मिट्टी मिट्टी सारी ये बाहर कर देता है। और ये जो आप सामने दिख रहा है रेडिएटर की जाली टाइप का दिख रहा है, ये इसका इंजन है। इस क्रशर का इंजन अलग, इसमें जितने भी तीनों पार्ट हैं, जौ का इंजन अलग रहेगा, कौन का इंजन अलग रहेगा, ये कौन है, कौन का इंजन अलग रहेगा, स्क्रीन का इंजन अलग रहता है, बाकी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर किसी भी चीज़ में अगर लोहे का कोई पार्ट वगैरह किसी भी जौ में चला गया तो सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है इसका जौ। अब कितना बड़ा जौ है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने है वो हॉपर जिसके अंदर हम इसके बोल्डर डालते हैं, ये है वो जौ। और ये इसका जौ है जो आप देख रहे हैं, सामने इसका हॉपर है। और इधर की साइड है दोस्तों, नीचे इसकी चेन है क्योंकि ये मूवेबल है, इसीलिए इसको मोबाइल क्रशर बोलते हैं। और इसमें दोस्तों अलग अलग जगह पे आपको इमरजेंसी स्विच दे रखे रहते हैं, जैसे ये आपको देख रहे हैं सामने एक इमरजेंसी स्विच है, और एक वो सामने और बेल्ट के नीचे भी इमरजेंसी स्विच दिया, इसमें जगह जगह दिए जाते हैं। जैसे कि आप ये बेल्ट के पास भी देख रहे हैं एक इमरजेंसी स्विच यहाँ पे भी है। सामने की तरफ से दोस्तों ये जो क्रशिंग का जो मटेरियल आता है वो सीधे चला जाता है यहाँ से कोन में, तो कुछ इस टाइप से होता है इसका ऊपर। दोस्तों ये इसमें आप मटेरियल डालिए और ये लगी रहती है इसकी जो जालियाँ, जिसमें आपका जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जितना भी मिट्टी विट्टी वो सब निकल जाता है, और जो बोल्डर केवल बोल्डर ही इसके अंदर जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका जो हथौड़ा भी बोलते हैं कुछ लोग, जो इसका होता वो है। और यहाँ इसका ये बेल्ट खुल जाता है पर अभी लॉक बंद है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। वही दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया, अभी आ गया मैं नीचे साइड में। और ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं, इस साइड में दो पुली लगी रहती बड़े साइज़ की जो इस जौ को घुमाती हैं। और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये इसका पैनल है, ये जौ का पैनल है केवल, बाकी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, किसी हिसाब से चलाने वो चलते रहते हैं। और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका दोस्तों जो वजन बता रहे हैं ना, वो है लगभग 41,620 kg है, मतलब 41 टन का, 41.5 टन का 2018 मॉडल है ये, और 246 kV का पावर प्रोड्यूस करता है ये 1500 RPM पे। तो यहाँ से जो मटेरियल निकलता है जौ से, जो में जो हम 400 mm 500 mm के जो बोल्डर डालते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है 100 mm से, बिलो 100 mm से कन्वर्ट कर देता है। तो फिर ये इस बेल्ट के थ्रू, सामने जो आप बेल्ट देख रहे हैं, बेल्ट के थ्रू जाते हैं ये कौन के होपर में। अब कौन के होपर में, अब कौन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको कौन के बारे में। ये सामने आप देख रहे हैं कौन, और कौन में भी देखते तो दोनों तरफ इसमें इमरजेंसी स्विच बहुत सारे दे रखे हैं, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये आप देख रहे हैं इमरजेंसी स्विच है, और भी जगह दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों इसका सायरन है, कभी इमरजेंसी में कुछ सरिया वरिया चले जाते हैं सायरन ब्लिंक करते हैं, तो आप मोबाइल क्रशर भी अपना बंद हो जाता है, तो आप सायरन का आवाज़ सुन के आप सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट होकर आप इसका चेक कर लेते हैं कभी सरिया वरिया तो नहीं चला गया इसके अंदर। अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कूलर, ये है आपका हाइड्रोलिक कोयल का इंटरकूलर है ये, और इसके नीचे इसका हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई जो इसकी सप्लाई बना के रखती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यूनिट, ये है कौन, यही यूनिट है कौन जो आपको 100 mm के बोल्डर को आपका एग्रीगेट में कन्वर्ट कर देती है। तो मैं आपको यहीं से ऊपर जाके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी मैं हूँ इस कौन के ऊपर, और ये आप देख रहे हैं सामने ये जौ है, जौ से ये मटेरियल आता है कौन में, ये इसका होपर है, और ये बेल्ट के थ्रू ये मटेरियल जाता है सीधे इस कौन में। और ये रहा ये कौन, कौन को मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप का होता है कौन, ये गोल गोल घूमता है, और जो नॉर्मल कौन होते हैं उसी टाइप से होता है, इसको कम जगह में बस फिट कर दिया गया है, बस यही है इसका दोस्तों पैनल है। ये सामने की तरफ मैं आपको इसका पैनल भी दिखा देता हूँ, ये इसका पैनल है, ये कौन का पैनल है। आप उसमें भी आप देखो इमरजेंसी स्विच दे रखा है जगह जगह, हर जगह दे रखे हैं। और इसकी ट्रैक मोटर है शिफ्ट करने के लिए, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये रहा ये इसकी इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो वजन है कौन का वो 30 टन के आसपास है, 2018 मॉडल है ये,
और ये भी 248 केवी का पावर प्रोड्यूस करता है 1500 RPM पे, और 100 इसमें जनरेटर भी 108 केवी का जनरेटर भी लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये अपनी कुछ मोटरें हैं इसकी, उसको चलाने के लिए लाइट भी खुद प्रोड्यूस करता है। ये जो पैनल है दोस्तों, पैनल के ऊपर जो इसका इंजन दे रखा है, यहाँ आप देख रहे होंगे इसका साइलेंसर वगैरह, ये इसका इंजन है। इंजन के बारे में इतनी डिटेल अभी मेरे को भी पता नहीं है, अभी हमारे इंजीनियर साहब आज आए नहीं साइड पर, तो मैं बता नहीं पाया, कभी डिटेल वीडियो बाद में देखेंगे। और इसमें से जो मटेरियल निकलता है वो जाता है सीधे स्क्रीन में, ये जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन है, ये इसकी स्क्रीन। दोस्तों ये जो कोन है उसके बारे में एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, ये जो कोन है इसको आप सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको कितना बारीक मटेरियल पीसना है आप इसकी सेटिंग के हिसाब से, इसकी सेटिंग आप इस पैनल से कर सकते हैं, और आपको जितना बारीक मटेरियल चाहिए आप बारीक भी ले सकते हैं, मोटा मटेरियल चाहिए आप मोटा भी ले सकते हैं, कितना मोटा करना है आप जितना मोटा करते जाएंगे इसका प्रोडक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना आप बारीक करते जाए प्रोडक्शन तो वो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा। ये एक चीज़ इसका रह गया था जो मैंने आपको बताया नहीं था, बाकी तो क्रशर धमाकेदार है, बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, कंपनी की सर्विस अच्छी है, पार्ट टाइम पे भेज देते हैं। बाकी पार्ट इसके बहुत महंगे महंगे, क्योंकि है ही 7.5 करोड़ रुपए का, तो पार्ट तो महंगे रहने ही रहने हैं इसके। इधर भाई लोग कर रहे हैं इसकी सेटिंग कर रहे हैं इसमें, अभी एग्रीगेट का प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा ये रैम्प टाइप का बना दिया है, और इसकी करने वाले हैं इसकी सेटिंग, सेटिंग करने के बाद इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जब इसका प्रोडक्शन करेंगे तब मैं आपको इसका प्रोडक्शन का वीडियो बना के भेज बना लूँगा। वैसे दोस्तों इसका प्रोडक्शन का वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप चाहो तो देख भी सकते हो किस टाइप से चलता है, क्योंकि उस टाइम पे धूल बहुत उड़ती तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता, तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं टैंक, ये है वाटर टैंक, और ये इस क्रशर के लिए जब आप चलाते हैं तो उसमें पानी का स्प्रे करने के लिए दे रखा है, पानी के नोजल लगे हुए हैं, के मोटर लगी हुई सामने आप देख रहे हैं, और उसके अलग अलग कनेक्शन दे रखे हमने, जॉ में भी दे रखा है, कोन में भी दे रखा है, और स्क्रीन में भी दे रखा है, जिससे क्या है आपका जो एग्रीगेट निकलता है उसमें धूल ना उड़े, इसीलिए दे रखा है और कुछ नहीं है। ये जो मोबाइल क्रशर का जो आपका कोन है, इसको मोबी कोन MCO9 बोलते हैं इसको, और जिसका एक और वर्जन है वो है प्रो वर्जन आया है, वो अभी है नहीं हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे दूसरी साइड है कोल्हापुर, कोल्हापुर में बाद में लिया था, वो प्रो मॉडल है इसका। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन को अभी यहाँ पे दोस्तों हमने सेट कर रहे हैं, और ये भाई इसको सेट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों ये है आप देख रहे हैं स्क्रीन है इसकी, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, इसका जो इंजन होता है वो यहाँ पे है, इसका इंजन यहाँ पे है, छोटी सी जगह में सब कुछ फिट कर दिया, ये इसका इंजन है, ये पीछे इसका हॉपर दिया हुआ है जहाँ पे कौन से मटेरियल आएगा, और मटेरियल सीधे ऊपर वाले बेल्ट से जाएगा सीधे सामने स्क्रीन में, और स्क्रीन से छनता हुआ फिर जाएगा अलग अलग साइज का, जैसे ये वाला आप बेल्ट देख रहे हैं ये बेल्ट है 20 mm का, यहाँ पर 20 mm निकलेगा, और ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है आप इसके नीचे, ये है डस्ट का, यहाँ पर डस्ट निकलेगा इसका, जो यहाँ पे तीसरा बेल्ट दिया हुआ ये है 10 mm के लिए, और इसका एक और बेल्ट है वो रिटर्न भी, आपको अलग से लेना तो आप अलग से ले सकते हो, अगर आपको रिटर्न करना तो रिटर्न कर ले, ये जो बेल्ट है चौथा ये 40 mm का, जब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम सीधे कोन के अंदर ले सकते हैं, इसके लिए उसी हिसाब से इसकी सेटिंग की गई है कि कोन के अंदर डायरेक्ट जाए, और ये सीधे कोन के अंदर जाएगा, जो अगर आपको ज़रूरत है इस मटेरियल की तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इसको कोन में भी ले सकते हैं। और कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दी गई है इसमें, ये 34 टन 700 kg के 2018 मॉडल है, और ये 73 kV का पावर प्रोड्यूस करता है 1800 RPM पे, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको बता दिए भाई। ये जो क्रशर है हमारा, इस टाइप के हमारे पास दो क्रशर हैं, एक सेट तो आप ये देख रहे हैं, ये सामने जॉ है, ये कोन है, वो सामने स्क्रीन है, इन तीनों का एक सेट है हमारे पास एग्रीगेट प्रोडक्शन के लिए अलग है, और एक सेट और है जिसमें जॉ है और एक कोन है, वो हमने रखा हुआ है GSB के प्रोडक्शन के लिए।
और इस टाइप के टोटल हमारे पास तीन क्रशर हैं, तीन हैं, दो तो स्क्रीन वाले सेट हैं वो दूसरी साइड पे चल रहे हैं, और इस साइड पे हमारे पास ये इस टाइप के एक तो ये पूरा कंप्लीट सेट है, और एक सेट और है वो है हमारे एग्रीगेट प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा वाला जो सेट है वो है हमारे पास जीएसबी के प्रोडक्शन के लिए। तो इस साइड पे हमारे पास इस टाइप के दो हैं, और एक अलग दूसरी साइड है हमारे पास कोल्हापुर वाली, उसके लिए अलग है। और दोस्तों बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो ये 250 TPH का है, ये मतलब 250 टन पर आवर इसकी कैपेसिटी है इसकी क्रशर की। और इसकी कीमत की भी बात करें दोस्तों, तो ये जो कीमत है लगभग 7.5 करोड़ रुपए का ये एक सेट पड़ता है, मतलब 3 करोड़ रुपए का ये एक जौ है, 3 करोड़ रुपए का एक ये कौन है सामने आप देख रहे हैं, और जो 1.5 करोड़ रुपए की वो स्क्रीन है, स्क्रीन सबसे सस्ती होती है। और इसकी वेट की बात करें दोस्तों, तो ये जो आप इस जौ देख रहे हैं, जौ का वेट होगा लगभग 41 टन के आसपास है, जौ सबसे हैवी रहता है, और जो कौन है, कौन का वेट है लगभग 30-32 टन के आसपास है, और जो स्क्रीन है इसकी 37 टन के आसपास है इसकी। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके माइलेज की, तो ये जो आप जौ देख रहे हैं, जौ का माइलेज है लगभग 16 से 18 लीटर पर आवर का, और कौन का माइलेज सबसे ज़्यादा है इसका 22 से लेके 25 लीटर पर आवर का है, और स्क्रीन तो बहुत कम लेता है, वो तो 8 से 10 लीटर का पर आवर कर लेती है, उसका इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो तो स्क्रीन ही है नॉर्मल, आपको बेल्ट ही घुमाने और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कौन में तो डीजल की खपत ज़्यादा होती है क्योंकि कौन पे प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, जब एग्रीगेट का प्रोडक्शन करते तब ज़्यादा होता है। दोस्तों ये जो क्रशर है इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जो 250 टन की जो कैपेसिटी है, वो 250 टन की कैपेसिटी इसकी जीएसबी प्रोडक्शन की है, वो जब आप इसमें स्क्रीनिंग करोगे आप एग्रीगेट निकालोगे तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि स्क्रीन में वो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कोन है, कोन में जब 40 mm रिटर्न चलती है, तो जब रिटर्न चलती है 40 mm तो उसका कोन भर के चलता है, अगर वो भर के चलेगा तो ये पीछे से मान लेना खुद ऑटोमेटिकली कम कर देगा तो इसका प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। तो लगभग ये 60-70% प्रोडक्शन लेता है जब आप एग्रीगेट में करते हैं, और जब आप जीएसबी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये पूरी फुल कैपेसिटी के साथ चलता है। दोस्तों बात की जाए इसके रखरखाव की, तो इसके लिए आपको पूरा स्टाफ रहेगा हमारे पास, इसका डे का स्टाफ अलग है, रात के लिए स्टाफ अलग है, और एक जो मेन जो आपका ऑपरेटर है उसके साथ एक असिस्टेंट ऑपरेटर भी रहता है, और इसके साथ 3 से 4 हेल्पर भी लगते हैं, क्योंकि मशीन को चारों तरफ से देखते रहना चाहिए क्योंकि मशीन तो चल रही है, क्योंकि ये यहाँ पे है पत्थर और लोहे की लड़ाई है, तो इसमें आपको चारों तरफ इसमें निगाह बना के रखनी है, बाकी तो ऑटोमेटिकली है सब कुछ बता देगा आपको स्क्रीन पे, अगर इसमें कोई बोल्डर ज़्यादा जाम हो गया, कोई पट्टा जाम हो गया तो आपको इसका बजर सायरन दे देगा, और कभी इनकेस इसमें कोई लोहा या कील वगैरह चले तो इसके सेंसर लगे हुए हैं तो उसको डिटेक्ट करके क्रशर को वहीं रोक देते हैं, और आपको सायरन बजा के आपको अलर्ट कर देंगे, तो आप चेक कर लीजिए कोई लोहे का बोल्ट वगैरह या कुछ भी आ जाता सरिया वगैरह तो आप देख सकते हैं। इसकी रखरखाव में दोस्तों इसको हर दूसरे दिन हमको इससे साफ़ करना पड़ता है, आपका इसका कंप्रेशर मारना पड़ता है क्योंकि इसका इंजन पूरा धूल में हो जाता है, तो उसका कंप्रेशर से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, वो ज़रूरी भी है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो इसमें आप देख रहे हैं डिटेल। भाई इस टाइम पे अपन क्रशर पे हैं, और ये तो आप सामने देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन है ये, और अभी इसको सेटल किया हुआ है, हमने जमाया हुआ है तीनों को, क्योंकि अभी हम एग्रीगेट का यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सामने वो ब्रेकर चल रहा है, इधर खड़ा है अपना ये लोडर है, 430 मॉडल है जेसीबी का, और ये जो एग्रीगेट का जो बेल्ट है ये 20 mm का, उसके नीचे यहाँ पर कुछ जीएसबी पड़ी थी तो उसको सब साइड कर देते हैं, तो एक्सकेवेटर यहाँ पर कर रही है उसको शिफ्ट, क्योंकि उसका बेल्ट इसी जहाँ पर भी ये जीएसबी पड़ी हुई यहीं पर गिरेगी इसकी 20 mm, क्योंकि अभी 2 दिन से हम यहाँ पे जीएसबी का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो आज हम इसका तो एग्रीगेट के लिए 20 mm 10 mm जो 6 mm जो भी आपका निकलता है उसको का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो इसको पहले शिफ्ट कर देते क्योंकि बेल्ट की जगह बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये जो एक्सकेवेटर है ये वॉल्वो का 210 है, और ये है 2019 मॉडल है, ये 4 सिलेंडर में आता है, पहले का जो एक्सकेवेटर आते थे वो 6 सिलेंडर में आते थे, ये 2018 के बाद से ये 4 सिलेंडर में कर दिए गए इनको। दोस्तों यहाँ पे जो क्रशर का जो हॉपर है, हॉपर के पास ये बोल्डर आ गए हैं बड़े बड़े, और कुछ ओवर साइज के बोल्डर जो खदान से आ जाते हैं उनको ब्रेकिंग कर देते हैं हम लोग, ये आप देख रहे हैं कैट का एक्सकेवेटर यहाँ पर ब्रेकिंग करते हुए,
जितना भी ओवर साइज मटेरियल रहता है वो ब्रेकिंग कर देते, क्योंकि जो क्रेशर है आपका इसमें तो दोस्तों 500 mm से डाउन, जो 500 mm से बड़ा पत्थर नहीं ले सकते क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती, फंस भी जाता है। 500 mm से छोटा पत्थर, 500-400 mm तक पत्थर ये क्रेशर इजीली कवर कर देता है, क्योंकि हमने इसके इंजीनियर से भी पूछा था वो यही बता रहे थे। और अभी तो पत्थर बहुत कम है खदान से, जो भी सुबह चल रहा था सारा ख़त्म कर दिया था, अब केवल ओवर साइज पत्थर रह गया, उसको ही हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो इसका जो 10 mm, ये 20 mm है, ये इसी स्क्रीन से निकली हुई है, और ये अपना भैया JCB का लोडर है, ये भी यहीं क्रशर पे चलता है। ये JCB का 430 मॉडल है ये, और ये इधर अपना क्रशर है पूरा, ये सामने 10 mm देख रहे हैं, और ये चल रहा है अपना ब्लास्टिंग का अपना ब्रेकिंग का काम चल रहा है। जो बड़े बड़े ओवर साइज के पत्थर जो निकल जाते हैं तो हम एक्सेलरेटर साइड में कर देते हैं, बाद में ब्रेकर लगा के हम इसको खोड़ भी देते हैं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इसमें 400 mm से 500 mm तक कई पत्थर डाल सकते, ज़्यादा बड़ा पत्थर नहीं डाल सकते, ज़्यादा पत्थर बड़ा पत्थर डाल दो तो उसके जॉ में फंस जाता है, बाद में उसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये भाई यहाँ पर करते हुए हम ब्रेकिंग, आप देख सकते हैं ब्रेकिंग चल रही है यहाँ पर। तो ये क्रशर हमारे कैंप के अंदर ही लगा हुआ है एग्रीगेट के लिए, और बाकी दूसरा जो क्वारी में है वो भटकता रहता है, क्वारी में कहीं इस क्वारी में कहीं दूसरी क्वारी में। ये भाई यहाँ पे काफ़ी हार्ड पत्थर है जो हम ब्रेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। भाई सामने खड़े हैं भैया अपने ऑपरेटर वगैरह, और भैरव भैया भी खड़े हैं, थोड़ा कुछ सेटिंग वेटिंग करवा रहे हैं इसकी, क्योंकि अभी 2 दिन से चल रहा था JSB का प्रोडक्शन, तो आज एग्रीगेट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके लगा रहे हैं इसको, क्योंकि एक बार सेट हो गया उजाले में फिर बाद में तो रात भर इसको चलाना ही चलाना है। और दोस्तों ये खड़ी अपनी वॉल्वो की एक्सेवेटर, और ये करेगी इसके हॉपर का लोडिंग का काम, इसलिए ला के पहले से ही खड़ी कर रखी है। भैरव भैया एक एक चीज़ अपनी खुद देखते हैं, जाके करवाते हैं, उन्हीं के अंडर में सौंप दिया कंपनी ने, दोनों क्रशर उन्हीं के अंडर में, अब जो 7.5 करोड़ का है तो 15 करोड़ रुपये उनके अंडर में दे दिए कंपनी ने, चलाओ। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो इसमें आप देख रहे हैं, डिटेल में मैंने हल्का जो मेरा नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है क्रशर के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।